बस्तर में पेयजल की आपूर्ति के लिए नलकूप खनन का कार्य तेजी से किया गया, जिसका निरीक्षण करने विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन अचानक पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और धान खरीदी पर चर्चा की। इस दौरान कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। विधायक रेखचंद्र जैन ने अचानक नगरनार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नगरनार बहमनी बिरसागुड़ा बाबू सेमरा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और वहां मौजूद किसानों से चर्चा की और धान खरीदी केंद्रों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान किसानों ने संतोषजनक जवाब दिए और कांग्रेस की भूपेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी केंद्र प्रभारियों से चर्चा की और जिसमें रेखचंद्र जैन ने कहा कि सभी अधिकारी राज्य सरकार की गाइडलाइन और दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें और किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। किसान इस देश का अन्नदाता है, जिसकी परेशानी का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य और दायित्व है। 4.80 क्विंटल बेचा। किसी प्रकार की कोई समस्या हुई बेचने के दौरान? ठीक है। तो अब आपको सरकार कितना पैसा दे रही है आपको पता है? पता है ना, अगर सरकार कम दे रहे हो पर सरकार 2500 दे रही थी मुकेश बघेल जी। ये अच्छा बीता, ज्यादा दे रही थी, अच्छा खुश हुआ पर। तो गांव के सब किसानों को कुछ फायदा हुआ है? सबको फायदा हुआ, 2,00,000, 1,50,000 और कतक लखा दर ला सब। तो संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।